हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नाउ वेट इज ओवर, सो फाइनली मैं आपका फेवरेट वीडियो लेके आ चुकी हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मीशो विंटर वियर। मैंने मीशो से ऑलमोस्ट 12 से 13 प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए थे, जिनमें से मुझे सिर्फ 6 डिलीवर हुए। मुझे नहीं पता कि मीशो ने ऐसा क्यों किया, सारे के सारे जो मेरे ऑर्डर थे वो अपने आप ही कैंसिल हो गए। ऐसा भी हो सकता है कि उनके पास वो आइटम ना हो, आउट ऑफ स्टॉक हो, बट सारे के सारे मैंने इकट्ठे ही सबको कार्ट में ऐड किया था। एंड आप चेक कर सकते हैं कि सारे एक साथ कैंसिल हो चुके। इतने सुंदर सुंदर आइटम थे, अगर डिलीवर हो जाते ना, सच में बहुत ही यूनिक एंड स्टाइलिश पीस थे, जो कि शायद आपको भी पसंद आते। बट मैं ट्राई करूंगी कि नेक्स्ट टाइम मैं उन्हें एक साथ ऑर्डर करके देखूं, मे बी नेक्स्ट टाइम उनके पास वो स्टॉक में इन्वॉल्व हो जाए और वो मुझे डिलीवर कर दे। तो अगर आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते हो तो मुझे कॉमेंट करके बताना। चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल में पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, बिकॉज मैं आपके लिए ऐसे ही अलग अलग कैटेगरी की हॉल लेके आती रहती हूँ। आप मेरे चैनल पे ऑलरेडी चेक कर सकते हो। अगर आप अपना कोई सेपरेटली हॉल देखना चाहते हो तो उसके लिए भी मुझे कमेंट कर सकते हो। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक, और आपको इनमें से सबसे अच्छा पीस कौन सा लगा मुझे कॉमेंट करके बताना, वीडियो को शेयर भी कर देना। नाउ लेट्स बिगिन द वीडियो। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इस फर जैकेट से, जो की मस्टर्ड कलर में है। इसका प्राइस है 378 रुपीज। इसमें आपको 8 कलर और मिल जाएंगे, बहुत ही सुंदर सुंदर कलर है। एंड इसकी क्वालिटी काफी अच्छी आ रही है। मैंने इसे वन टाइम वियर किया था, जो कि आपने एक शॉर्ट वीडियो देखी होगी मेरे दूसरे वाले चैनल पे। अंदर से ये बहुत ही कम्फी है, बहुत ही सॉफ्ट जो फर यूज किया गया ना, इसकी वजह से अंदर से वार्म रहेगी ताकि आपको ठंड ना लगे। इसमें यहाँ पे ये मेटल बटन्स का यूज कर रखा है, कॉलर है, स्लीव्स में फुल स्लीव्स है, और यहाँ पे भी इन्होंने बटन दे रखा है। इसकी लेंथ आपको थोड़ी सी शॉर्ट मिलेगी, मीन्स मिड लेंथ की जैकेट है, बहुत ही कम्फी। मैंने इसे एम साइज में बाय किया है, सारे साइज अवेलेबल हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो। क्वालिटी वाइज, लुक वाइज आपको बहुत पसंद आने वाली है। ये देखिए, बहुत ही सुंदर कलर आया है इसका। एंड जो ऊपर का फैब्रिक है ये डेनिम है, तो ठंड बिल्कुल लगने वाली नहीं, आप इसे कैसे भी स्टाइल कर सकते हो। लुक, ये हमें बहुत ही क्यूट लुक प्रोवाइड करेंगे। फ्रंट में इस तरीके से आपको बटन डिटेलिंग मिल जाएगी, बैक से ये बिल्कुल प्लेन है। एंड आप इसकी लेंथ देख सकते हो कि मिड लेंथ के साथ आई है। एंड इतने कम प्राइस में इतनी अच्छी जैकेट, यहाँ से ये बहुत ही सॉफ्ट है, आपके नेक में बहुत ही कम्फी फील होगा। एंड इसमें जितने भी कलर हैं सारे कलर बहुत ही प्यारे हैं, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। लेकिन अगर आप मस्टर्ड कलर लेते हो, कंपलसरी नहीं, जो भी आपको पसंद है आप वो परचेज कर सकते हो। लेकिन ये ऐसा कलर ना कि एथनिक भी चल जाएगा और वेस्टर्न भी आप इसे स्टाइल कर सकते हो। अभी प्रोडक्ट जितने भी इसमें वीडियो में शो कर रही हूँ सबके मैंने लिंक और कोड दे दिए डिस्क्रिप्शन में, आपको जो भी परचेज कर रहा हो आप वो चेक कर सकते हो, लेकिन पूरी वीडियो ध्यान से देखने के बाद ही ले। नेक्स्ट एक और जैकेट जिसका प्राइस इतना कम है, सिर्फ 342 रुपीज में मैंने इसे परचेज किया। ये लेदर जैकेट है, इतने कम प्राइस में सिर्फ मीशो पे ही मिल सकती है, और इसमें आपको 6 से 7 कलर मिल जाएंगे, बहुत ही सुंदर सुंदर कलर हैं। और सारे लेदर जैकेट मोस्टली ब्लैक या ब्राउन में मिलती है, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत सारे कलर ऑप्शन मिल जाएंगे। तो अगर आपको थोड़ा यूनिक एंड डिफरेंट लुक चाहिए तो आप इसे अदर कलर में भी बाय कर सकते हैं। मैंने इसे ब्लैक में ही परचेज किया है, और ये एम साइज में बाय किया है मैंने। यहाँ पे साइज 1 लिखा हुआ है, वैसे मैंने एम सेलेक्ट किया था। ये देखिए, मिड लेंथ में है ये, और यहाँ पे आपको दोनों तरफ चैन डिटेलिंग मिल जाएगी। शायद ये पॉकेट तो नहीं है, जस्ट ये डिजाइन के लिए इन्होंने चैन को अटैच कर रखा है, और क्लोजिंग के लिए इन्होंने यहाँ पे चैन का यूज कर रखा है। ये लेदर फैब्रिक है इसका, बट अंदर से इस तरीके से अलग से इन्होंने लाइनिंग को इसके अंदर स्टिक कर रखा है, चिपका रखा है। थोड़ी सी ये थिन है तो बहुत ज्यादा ठंड के लिए तो नहीं है, लेकिन अगर आप इसके अंदर लेयरिंग करते हो, नीचे से इनर वगैरह वियर करते हो, फिर आप इसे ज्यादा ठंड में भी आराम से वियर कर सकते हो। मैंने ब्लैक कलर में परचेज किया है, कलर ऑप्शन आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, कितने सारे कलर और भी हैं, तो आप वो भी परचेज कर सकते हो। मैं आपको पहन के दिखाती हूँ कि आपको किस तरीके का लुक मिलने वाला है। अकॉर्डिंग टू प्राइस देखो, वैसे इसका जो लुक एंड क्वालिटी है वो काफी अच्छी आई है। से कुछ ऐसा लुक मिलने वाला है इसका। वैसे मुझे ठंड तो नहीं लग रही है फिलहाल। अगर आप इसे फैशन स्टाइल के लिए परचेज करना चाहते हैं, देन डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट। वैसे आप मतलब एथनिक एंड वेस्टर्न दोनों तरीके से वियर कर सकते हैं। आप इसके नीचे कोई भी स्टाइलिश कुर्ती भी वियर कर सकते हैं, उसके ऊपर भी स्टाइल कर सकते हैं, एंड वेस्टर्न में तो डेफिनेटली आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू प्राइस देखो, मुझे इसका लुक काफी अच्छा लगा। इतने कम प्राइस में मुझे नहीं लगता कि ऐसी जैकेट किसी और अदर वेबसाइट पर मिल सकती है।
तो आप क्या कहते हो, आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। अगर पसंद आए तो आप बिल्कुल इसे परचेज कर सकते हो। नेक्स्ट ये ब्लू एंड व्हाइट स्ट्रिप्स के साथ टर्टल नेक में स्वेटर, ये थोड़ा सा पहले वाली जो दो जैकेट थी उनसे इसका प्राइस थोड़ा ज्यादा है। ये मैंने परचेज किया है 494 रुपीज में। क्वालिटी मुझे सही लग रही है अकॉर्डिंग टू प्राइस। जस्ट मैंने इसे ओपन करके देखा था जब मैंने इसे रिसीव किया था कि कहीं रॉन्ग प्रोडक्ट तो नहीं आ गया पिछली बार की तरह, बट अभी तक मैंने इसे ट्राई नहीं किया है। पता नहीं मेरे ऊपर अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी, बट ऐसा मुझे लग रहा है कि काफी अच्छे से जचने वाली है। इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी आई है, एज लाइक कोई ब्रांडेड स्वेटर है एंड वुलन है तो ऑफकोर्स कि ये काफ़ी ज़्यादा वार्म होने वाला है। आई थिंक इसमें कोई टैग वगैरह भी है। ये क्वीटो ब्रांड से है और ये भी वन साइज में है। कुछ इन्होंने अपना इंस्टा, फेसबुक एंड यूट्यूब का भी लिंक दे रखा है। तो इस तरीके से ये हाई नेक यानी टर्टल नेक में है, फुल स्लीव्स में है, स्लीव्स में भी व्हाइट एंड ब्लू की स्ट्रिप्स हैं। आई थिंक इसे मैन एंड वुमेन दोनों वेयर कर सकते हैं यार। क्वालिटी सच में बहुत ही अच्छी आई है। आप यहीं से देख सकते हैं कि फिनिशिंग एंड जो लुक मिलेगा ना वो बहुत ही अच्छा मिलने वाला है एंड फुल लेंथ में है। एक्राइलिक फैब्रिक है और बहुत ही वॉर्म है। आप इसे इनर की तरह भी वेयर कर सकते हो और सिंगल सिंगल इसको भी स्टाइल कर सकते हो। इसमें अदर कलर एंड पैटर्न भी अवेलेबल है, मीन सेम स्टाइल में आपको अदर कलर एंड डिजाइन में मिल जाएगा, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। चलिए मैं पहन के दिखाती हूँ कि वैसे देखने में काफी अच्छा लग रहा है लेकिन मेरे ऊपर अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, लुक कैसा मिलेगा। ये क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छा है, स्लीव्स वगैरह ये लेंथ वगैरह सब कुछ हो गया, बट ये मुझे इसका नेक से डिजाइन अच्छा नहीं लग रहा, मेरे ऊपर तो बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आप मुझे कॉमेंट करके बताओ कि मैं इसे रखूं या रिटर्न करूं, बिकॉज नेक ट्विंस ना थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे नेक को किसी ने ऐसे होल्ड कर रखा है। वैसे देखो बहुत सुंदर आई कैचिंग कलर पैटर्न है इसका, क्वालिटी सुपर्ब है, प्राइस भी ठीक ठाक है, बस मुझे ना नेक की वजह से थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है। सो आई शुड कीप इट रिटर्न, कुछ कॉमेंट करके बताना। और अगर आपको पसंद आए, ये ना पसंद आए तो आप दूसरे भी चेक कर सकते हो। नेक्स्ट ये वाला जो स्वेटर है ये भी सेम टर्टल नेक में है और कुछ ऐसा ही डिजाइन है, बट इसमें रेड एंड व्हाइट स्ट्रिप्स हैं और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इसे क्यों परचेज कर लिया। वो सेम ऐसा स्वेटर करीब 6 से 7 साल पहले मैंने वेयर किया था तो मुझे सेम वाइब आ रही है। ये मैंने परचेज किया 339 रुपीज में। इसमें बहुत सारे कलर पैटर्न हैं और सेम स्ट्रिप्स के साथ ऐसे ही वाइट स्ट्रिप्स हैं, पिंक, रेड तो मैंने परचेज किया है, ब्लैक, ब्लू समथिंग कुछ, तो आप वो चेक कर सकते हो। ये इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेचेबल है और बहुत ही छोटा साइज लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि बच्चों का है लेकिन बहुत ही स्ट्रेचेबल है, तो आप कोई भी इसे वेयर कर सकते हो। टर्टल नेक है, फुल स्लीव्स हैं, एज अ इनर भी वेयर कर सकते हो। वुलन फैब्रिक है तो काफ़ी वार्म होगा, आप जैसे मर्जी वैसे स्टाइल कर सकते हैं, बट अगर आप अदर कलर में लेंगे ना लाइक व्हाइट एंड ब्लैक का स्ट्रिप्स कलर कॉम्बिनेशन होगा तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये मुझे बहुत ही कोल्ड वाली फीलिंग दे रहा है। चलिए मैं आपको पहन के दिखाती हूँ कि पहनने के बाद इसका हमें कैसा लुक मिलता है। वैसे तो मुझे बहुत अच्छे से फिट आ रहा है एंड कंफर्टेबल भी है, वार्म भी है और लुक भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। नाउ आई एम थिंकिंग आई शुड कीप दिस बिकॉज ये काफ़ी वार्म है, ठंड से बचने के लिए काफ़ी अच्छा काम करने वाली है। स्लीव्स भी फुल लेंथ में एंड काफ़ी अच्छे से फिट आ रहा है, आप देख सकते हैं, एंड इसकी लेंथ काफ़ी अच्छी है, फुल लेंथ में है तो आप इसे टफ करके पहन सकते हैं, ओपन इस तरीके से फ्री भी वेयर कर सकते हैं। आप मुझे कॉमेंट करके बताओ क्या ये सही है और मैं रख लूँ या नहीं। नेक्स्ट मैंने बाय किया है व्हाइट स्वेटशर्ट जो कि हुडी स्टाइल में, इसमें दो कलर अवेलेबल हैं, एक ब्लैक एंड ये वाइट। अभी तक मैंने इसे चेक नहीं किया है, मतलब इसे वेयर करके नहीं देखा कि किस तरीके की आई है, जिस मैंने ओपन किया है एंड वैसे मुझे इसका कलर काफ़ी अच्छा लग रहा था, प्योर एंड लाइट वाइट कलर है इसका एंड फैब्रिक का मुझे नहीं पता, फैब्रिक इसका लाइक्रा है, वाओ बहुत ही सॉफ्ट है, अंदर से ये फर भी है जिससे अंदर से काफ़ी वार्म रहेगा। थोड़ा शॉर्ट लेंथ में है, फ्रंट में आपको ये पॉकेट मिल जाएंगे दोनों तरफ ताकि आप अपने हैंड को भी इसमें कवर रख सको। फुल स्लीव्स हैं, हुड भी अटैच है, बैक में कोई डिजाइन नहीं, बैक से पूरा प्लेन है, यहाँ पे इन्होंने ये स्ट्रिप यूज कर रखा है स्ट्रेचेबल जो कि स्लीव्स में भी अटैच है एंड साइज मैंने इसमें बाय किया है M, ये फ्रॉम लूसी शॉप बट यहाँ पे इन्होंने माही इंटरप्राइजेस लिखा हुआ है, आई थिंक टैग किसी और कंपनी का ही यूज कर रखा है। चलिए मैं पहन के दिखाती हूँ। व्हाइट कलर में तो थोड़ा सा मुझे ना ट्रांसपेरेंट लग रहा है, हल्का हल्का, यहाँ ऐसे चेक करेंगे हम, ये देखो
इस तरीके से, बट ज्यादा नहीं क्योंकि व्हाइट कलर लाइट होता है तो थोड़ा बहुत वो ट्रांसपेरेंट होता है। इसके नीचे आप इनर या कोई भी लाइट टी शर्ट वेयर कर सकते हो। तो चलिए मैं पहन के दिखाती हूँ फुल लुक कैसा मिलेगा। वाह, इट लुक सो गुड ऑन मी एंड फैब्रिक सच में काफी सॉफ्ट एंड कम्फी है। एंड इसका प्राइस यू नो कितना, सिर्फ 304 रुपीज़। इतने कम प्राइस में इतनी अच्छी हुडी जैकेट मिल रही है। सो आई कैन सी कि आप इसे परचेज कर सकते हो। अगर आपको ब्लैक कलर में चाहिए देन आप ब्लैक कलर चूज कर सकते हो, बट वाइट कलर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। थोड़ी सी शॉर्ट लेंथ में है, यू कैन सी। तो आप इसे कुर्ती के नीचे या सूट वगैरह के नीचे, सॉरी ऊपर भी, कुर्ती या सूट वगैरह के ऊपर भी वियर कर सकते हो। लास्ट मैंने बाय की है हाफ ब्रिक स्वेटर, जो कि आपने ऑलरेडी पहले देख लिया है शॉर्ट वीडियो में। इसका प्राइस है 593 रुपीज़। है ना, थोड़ा सा कॉस्टली है, बट जो पैटर्न एंड डिज़ाइन है, अगर आप इसे अर्बैनिक या मिंत्रा से लेते हो तो मे भी आपको 900 या 1100 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, बट मीशो पे ही इतना सस्ता मिल सकता है। पूरा 10 out of 10 है। क्वालिटी, कलर, पैटर्न, लुक सब कुछ बहुत ही अच्छा है। चलिए मैं इसे ओपन करके दिखाती हूँ। सेम थोड़ा शॉर्ट लेंथ में है, एज कि आप इसे किसी भी शर्ट या टी शर्ट के ऊपर ही वियर करने वाले हो। ये देखिए वूल फैब्रिक है, जो ब्रिक कलर पैटर्न है ना ब्लैक एंड व्हाइट का, वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप इसे शर्ट के ऊपर या किसी भी जैसे लाइक फ्रॉक वगैरह वियर कर रहे हो, फ्रॉक ड्रेस, तो उसके ऊपर भी आराम से वियर कर सकती हो। टॉप वगैरह के ऊपर भी चल जाएगा। तो आप कैसे वियर करना चाहोगे कमेंट करके मुझे बताना, एंड आपको ये पसंद आया नहीं ये भी मुझे कमेंट करके बताना। रिसेंटली मैंने इसे इस तरीके से स्टाइल किया था, ये लुक कैसा लग रहा है इसके लिए भी कमेंट कर सकती हो। वैसे तो मैंने इसका पूरा लुक यहाँ पे शेयर कर दिया था, बट फिर मैं आपको एक बार इसका ट्राई ऑन दिखा देती हूँ ताकि आप इसे सही से देख सको कि किस तरीके का आपको लुक मिलने वाला है। बैक से इस तरीके से पूरा प्लेन एंड हाई नेक में है। फ्रंट से आपको वी नेक मिलेगा, जैसे पहले की जो स्वेटर्स वगैरह होती थी जो मम्मियाँ या दादी बनाती थी उनमें इस तरीके की नेक होती थी। अभी भी आपको ये ब्लैक वाली स्ट्रिप मिल जाएगी। लेंथ इसकी इस तरीके से है, मतलब शॉर्ट भी नहीं है और ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं है, मिड लेंथ में है। तो आप इस तरीके से आप इसे स्टाइल कर सकते हो। थोड़ा स्कूल वाला या कॉलेज वाला लुक आएगा, बट मुझे थोड़ा यूनिक एंड डिफरेंट लगा। काइंड ऑफ थोड़ा कोरियन वाला फैशन मिल रहा है आपको, तो पसंद आए परचेज कर सकते हो। मे बी इसमें और भी कलर या जो पैटर्न अवेलेबल हैं तो आप वो भी चेक कर लेना, अगर वो पसंद आए तो वो परचेज कर सकते हो। थोड़ा सा प्राइस ओवर है, बट अकॉर्डिंग टू जो लुक मिल रहा है ना उसके अकॉर्डिंग प्राइस ठीक है। तो ये हमारा लास्ट पीस था। आई एम सो सॉरी कि यहाँ पे इतने कम प्रोडक्ट मैं आपसे शेयर करूँगी, उसमें मेरी गलती नहीं है। मैंने तो ढेर सारे पीस ऑर्डर किए थे बट मुझे डिलीवरी नहीं हुई, वो अपने आप कैंसिल हो गए। तो ट्राई करूँगी कि नेक्स्ट टाइम जो मैं वीडियो लेके आऊँ उसमें 10 से 12 पीस आपको शेयर कर सकूँ, ताकि आप उनमें से जो भी मर्जी हो चूज कर सको। तो उसके लिए मुझे कमेंट करके बताना कि क्या पार्ट टू आप देखना चाहते हो। वीडियो पसंद आई है लाइक कर देना एंड चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉच फॉर वीडियो, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।